नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो कि पंजाब से आ रही है। आपको बता दें कि पंजाब में सोनू सूद की गाड़ी को चुनाव आयोग ने जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि उनके घूमने पर भी चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। आपको बता दें कि पंजाब में 117 विधानसभा सीटों पर आज मतदान किया जा रहा है, जिसके तहत चुनाव आयोग ने यह बड़ा कदम उठाया। आपको बता दें कि उन्होंने सोनू सूद की गाड़ी को जब्त कर लिया और सीज कर दिया है, तो वहीं उनको घूमने पर भी रोक लगा दी। आपको बता दें कि सोनू सूद की बहन इस बार विधानसभा चुनाव में है, मोंगा से कांग्रेस की टिकट पर वह चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं मालविका के लिए वोटर्स को प्रभावित करने का आरोप उन पर लगा है, जिसपे के तहत चुनाव आयोग ने उनकी गाड़ी को सीज कर लिया है, तो वहीं उनके घूमने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि इस मामले में अकाली दल ने इलेक्शन कमीशन से उनकी शिकायत की थी। उनका आरोप था कि वह बूथों पर जाकर लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, अपनी बहन के लिए वोट मांग रहे हैं, तो वहीं लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। आपको बता दें कि सोनू सूद फिल्मी सितारे हैं, जिनसे लोगों को काफ़ी फर्क पड़ेगा, जिसको लेकर उन पर यह एक्शन लिया गया है। चुनाव आयोग ने उनकी गाड़ी सीज कर दी है, तो वहीं उनके घूमने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें कि पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया जा रहा है। राज्य में 117 सीटों पर सुबह से ही मतदान चल रहा है, तो वहीं अपनी बहन के चुनाव के मद्देनजर सोनू सूद मोंगा में अलग अलग पोलिंग बूथ पर जा रहे थे, जिसको लेकर अकाली दल ने इलेक्शन कमीशन को इसकी शिकायत की, तो जिस पर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लेते हुए उनकी गाड़ी को सीज कर दिया है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने उन पर यह भी प्रतिबंध लगा दिया है कि वह किसी भी बूथ पर अभी के लिए नहीं घूम सकते। आपको बता दें कि सोनू सूद पर आरोप है कि मतदाताओं को प्रभावित करने की वह कोशिश कर रहे थे, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल की ओर से इस बारे में चुनाव आयोग को शिकायत की गई। अभिनेता सोनू सूद को बूथ पर जाने से रोकने के साथ ही उनकी कार को भी जब्त कर लिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि सोनू सूद ने इस बात पर खुद खंडन करते हुए कहा है, उन्होंने कहा है कि वह अपनी बहन मालविका सूद के लिए वोट नहीं मांग रहे थे। उन्होंने कहा है कि वह मालविका सूद को वोट देने के लिए किसी को भी नहीं कह रहे थे। उनका कहना है कि सिर्फ मतदान केंद्रों के बाहर लगे कांग्रेस बूथों का वह दौरा कर रहे थे, जिसके दौरान उनके साथ चुनाव आयोग ने यह एक्शन लिया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि वह सिर्फ कांग्रेस बूथों का दौरा कर रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने उन पर यह एक्शन लिया है। बड़ी खबर पंजाब से है, पंजाब चुनाव में है। आपको बता दें कि मतदान भारी मात्रा में आज पंजाब में मतदान कर रहे हैं मतदाता। आपको बता दें कि वही इसके बीच में ये खबर मोंगा से आई है। मोंगा में सोनू सूद अपनी कार से बराबर बूथों पर जा रहे थे, जिसको लेकर उन पर अब रोक लगा दी गई है। उन पर यह आरोप लगाया गया है, अकाली दल ने कहा है कि वह अपनी बहन के लिए वोट मांग रहे थे, तो वहीं लोगों को बूथ पर जाकर प्रभावित कर रहे थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने यह बड़ा एक्शन लिया है। उन पर एक्शन करते हुए चुनाव आयोग ने उनकी गाड़ी को सीज कर दिया है, तो वहीं उन पर घूमने बूथ पर जाने के लिए भी मना कर दिया है। बड़ी खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़। धन्यवाद।